उसका पीड़ा जो है वो बन चुका है। थोड़ी सी गोल जो है मुश्किल से होती है। बट फिर भी बन गई। घर में आज कोई भी नहीं है और मैं और भाई हैं, तो बाकी सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं। तो सिस्टर भी मियाँ चन्नू गई हुई हैं, इफ्राहिम वगैरह सानिया सभी मियाँ चन्नू गए हुए हैं और मैं घर में अकेला और भाई। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं आकर यहाँ लेट गया। अब ऊपर जाकर देखता हूँ कि मौसम कैसा है और अभी नाश्ता जो है वो बनाना है भाई के लिए, कि मैं तो बॉयल्ड एग और खजूरें वगैरह खा लेता हूँ नाश्ते में। तो अभी देखता हूँ गैस आ रही है तो सारा जो है वो नाश्ते का इंतज़ाम करना है। तो अगर इसी तरह मैं लेटा रहा तो फिर मेरे ख्याल में गैस जो है वो चली जाएगी और फिर मेरे ख्याल में दिन में पता नहीं कब आती है। तो खैर उठता हूँ, उसके बाद जाके देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। मौसम की सूरत हाल देखते हैं। ऊपर मौसम तो माशाल्लाह ठीक है, आज धूप निकलेगी, वो चांद भी नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आप सब तमाम दोस्तों को। जहाँ तक आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सबको मेरा आदाब। अल्लाह ताला को खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अदा करे। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज धूप निकलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आसमान जो है वो साफ़ है और सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और गैस जो है वो आ चुकी है घर में, कोई नहीं तो मुझे जो है वो नाश्ता बनाना पड़ेगा। तो आटा गूंदा हुआ था 2 रोटियों का। तो खैर नीचे चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अपने लिए अंडा भी बॉईल करना है और 2 रोटियां भी बनानी है। खैर ये किचन में पड़ी हुई है मिठाई, जैसे कुछ खाई हुई है। खैर चम्मच के साथ थोड़ी सी चेक करते हैं। मेरे ख्याल में इतनी ही काफ़ी है क्योंकि डाइट प्लान जो है वो शुरू किया हुआ है। अदरवाइज एक गुलाब जामुन खाया तो डाइट का जो है वो सत्यानाश हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतनी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको बंद करते हैं वरना और मन करेगा खाने को। तो बंद कर दिया, बाकी काम शुरू करते हैं। ये उबला अंडा और ये पड़ा हुआ है खुश्क आटा और ये गूंदा हुआ आटा तकरीबन 2 पेड़ों का, और ये है घी। और यहाँ पे तवा रखेंगे, तवा ये पड़ा हुआ है। तो पहले जो है ये पेड़े बना लेते हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसका पेड़ा जो है वो बन चुका है। इसी तरह से ये दूसरा
साइड पे, ये दोनों पेड़े तो बन गए हैं। ये तवा इसके ऊपर रख देते हैं ताकि तवा जो है वो गर्म हो जाए। सिर्फ दो रोटियों का आटा है और पेड़े मैंने बना दिए हैं, तवा मैंने रख दिया है, तो अब इसकी जो है वो रोटी बनाएंगे। तो तब तक जो है वो तवा जो है वो गर्म हो रहा है। तवे पे मैंने घी लगा दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया है खैर। यहाँ से थोड़ी सी फट गई, रोटी तैयार हो चुकी है। दूसरे वाली रोटी उसको तैयार करेंगे। थोड़ी सी गोल जो है मुश्किल से होती है। बट फिर भी बन गई। साइड जो है वो टर्न करेंगे। दो अदद पेड़े थे और दो ही रोटियां थी, वो दोनों बना दी, एक ये और एक इसके नीचे। यह रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। रोटियां पक गई थी और ये अंडा जो है वो उबल चुका है, तो अंडा मैं खा लेता हूँ। उबला हुआ अंडा मैंने खा लिया है और रोटी जो थी वो मेरी नहीं थी और रोटी जो थी वो भाई की थी, तो मैंने दो रोटियां जो थी उसके लिए पका दी। और ये मेरे हाथ में है 3 अदद खजूरें और उबला हुआ अंडा खाए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, तो अब ये जो खजूर है ये खाऊंगा मैं। तो खजूर भी जो है वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, और ये लोगों ने मिथ बनाई हुई है कि उबला हुआ अंडा और साथ में खजूरें वगैरह नहीं खानी। तो खैर हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा 80% कह रहे मुल्क जो है वो मिथ्स पे ही यकीन करता है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हालांकि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। खैर इसको फिर अब फिर चेंज करना पड़ेगा मुझे हाथ खाने के लिए, क्योंकि ये मेरे लेफ्ट हैंड में है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी सख्त है लेकिन काफी मीठी है। खजूरें जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और
मेरे बस में हो तो मैं सारा दिन जो है वो खजूरें खाता रहूँ, लेकिन कहते हैं कि 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बल्कि इससे कम खानी चाहिए। अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो फिर जो है वो वेट बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको एक मखसूस ही मकदार में खानी है, यानी 100 ग्राम से कम, 50 ग्राम, तो 4 या 5 खजूरें बनेंगी। लेकिन फिलहाल मैंने ताक में ली है, तो 3, एक मैंने खा ली है। तो लोग कहते हैं कि आपको ताक भी खानी चाहिए, 1, 3, 5 और 7। खजूरें मुझे इसलिए भी पसंद है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की जब कोई दावत होती थी तो उसकी सबसे अहम खाना ये खजूर होता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आने वाले मेहमान को खजूर जो थे वो लाजमी दिया करते थे। तो खजूर लाजमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते थे। तो खजूर जो है इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है।